गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का अध्याय एक, आवर्तबीजी पौधों में जनन व विकास। जनन व विकास, देखिए बच्चों आज का हमारा टॉपिक। जनन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले जनन होता क्या है? जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को हम जन्म कहते हैं। इस संसार का छोटा सा लेकर बड़ा जीव हो, चाहे बैक्टीरिया या वायरस से लेकर आपके ब्लू व्हेल तक, सभी जीवों के अंदर अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, इसी को हम जनन कहते हैं। जनन जीव विज्ञान की भ्रूण की या एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आता है, इसके अंदर संबंध रखता है। इसी आवर्तबीजी पौधों में जनन दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा जनन जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा बिना युग्मक संलयन या निषेचन के एक जनक से ही सीधे ही संतति का विकास हो जाए, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब बच्चों इसके अंतर्गत, अलैंगिक जनन के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, बिना युग्मक यानी जैसे कि आपके शुक्राणु या अंडाणु के बिना ही, अगर पादपों की बात करें तो इसमें अंडे और पोलन कीट के बिना ही, निषेचन किए बिना ही, एक ही पैतृक से नई संतति का निर्माण हो जाए या विकास हो जाए, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में समसूत्र विभाजन होता है, या इसको मैं विदलन भी कह सकता हूँ यहाँ पे बच्चों। सूत्र विभाजन और विदलन एक समान होते हैं, इसीलिए उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से व आकारिकी रूप से अपने जनकों के और आसपास के समान होती है। जैसे कि उनके अंदर समसूत्र विभाजन पाया जाता है तो उन संतानों के अंदर, उनसे जन्मे हुए बच्चों के अंदर अपने माँ बाप या दादा दादी या आगे ऊपर तक जा सकते हैं हम, ग्रैंड डॉटर तक भी उनके सिम्टम्स प्रकट होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहा गया यहाँ पे? कॉपी, क्लोन यानी था कॉपी या फोटो कॉपी, एक तरह से हूबहू, उसमें किसी प्रकार का आनुवांशिक रूप परिवर्तन नहीं होता, आकार की रूप परिवर्तन नहीं होता। अब क्लोन हम, मैं इसको साधारण उदाहरण लेता हूँ वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, आप से प्लांट ले लीजिए, गुलाब की आपने कलम की तो उसे हूबहू वही क्वालिटी का गुलाब के नया प्लांट लगेगा और वही फ्लावर आएंगे उसके अंदर। अलैंगिक जनन की मुख्यतः दो विधियां यहाँ पे बच्चों, एनिसेक बीजता और कायिक परिवर्तन। एनिसेक बीजता क्या होती है? देखिए बच्चों एनिसेक बीजता, इसको एगेमोस्पर्मी के नाम से जानते हैं। इसको बिना अर्धसूत्र विभाजन तथा बिना युग्मक संलयन के बीज या भ्रूण का विकास होना ही एनिसेक बीजता कहता है। मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रूण बीज नहीं होता है और उससे ही संतति का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें बच्चों, यहाँ पे कायिक परिवर्तन या कायिक जनन क्या होता है, या वृद्धि इसको जनन कहते हैं। पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, प्रकंद से होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। जैसे आपने गुलाब का उदाहरण दिया, मैं आपको चमेली का दिया, और भी मोगरा का है, आप कई बोगनविलिया ले लीजिए, कई सारे प्लांट ले लीजिए, उनके हम जड़ तना पत्ती आदि को काट कर लगा देते हैं मिट्टी में या जमीन में, तो उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। ये कायिक परिवर्तन या इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कायिक जनन करने के लिए पौधा का जो भाग काम में लेते हैं उसे हम प्रवर्धक बोलते हैं, प्रोगेलुइड्स के नाम से उसको जाना जाता है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है बच्चों, यहाँ पर कितने प्रकार होता है? टू टाइप्स, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों यहां पे प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक रूप से होने वाला जनन प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। नेचुरल तौर पर उसमें किसी भी मानव जाति का हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि जड़ द्वारा, कुछ पौधों की अंदर जड़ के द्वारा पाया जाता है, करील की मूल, करील होता है, करील उसको टैंटी के नाम जानते हैं, उसके अंदर उपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और उससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है जड़ों के द्वारा।
शकरकंद में पाया जाता है, शीशम के अंदर पाया जाता है, सतावर के अंदर पाया जाता है, मीठा कीम नीम के अंदर सॉरी मीठा नीम के अंदर पाया जाता है, नीम चमेली के अंदर भी पाया जाता है। अब बात करते हैं तने के द्वारा। कुछ तनों में के रूपांतरण से कायिक जनन के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है, जैसे तने के द्वारा देखें, जैसे कि कंद में आलू की बात करते हैं हाथी चौक है, प्रकंद में अदरक आ गई आपकी अदरक, घनकंद में अरवी आ गई, जमीकंद आ गए, केसर आ गए, शकरकंद की बात करते हैं सलकंद की सॉरी, तो इसमें प्याज है लहसुन है, इनके द्वारा भी हम तने ये तने होते हैं बच्चों, इनसे हम नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं, नए पौधे का निर्माण। ऊपरी भूस्तरी दूब घास कट्टी बूटी मेथा घास ये कई सारे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं बच्चों, जिनके द्वारा हम नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। अंत भूस्तरी पुदीना है, गुलदाउदी है, इनको हम जमीन में लगा देते हैं तो एक डाल से दूसरी डाल बनती हुई चली जाती है। भूस्तरी स्ट्रॉबेरी है, लिली है, भूस्तरी का है, जलकुंभी और पिटीनिया वगैरह आदि इसके उदाहरण है। पत्तियों के द्वारा, पत्तियों का सबसे बेस्ट उदाहरण है आपके क्या है, ब्रायोफिल्लम बोलते हैं उसको, पत्ता चिट्टा बोलते हैं। कुछ पौधों के पत्तियों के किनारे पे उप खांच से उपस्थानिक कलिका निकलती है और नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे पत्ता चिट्टा या ब्रायोफिल्लम बोलते हैं इसको, अजूबे के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ पौधों में प्रणव्रंत व सिराओं से अपस्थानिक कलिका निकलती है और नए पौधे का निर्माण कर देती है। बोगेनिया है, सेंटोपोलिया है, स्ट्रोपोटा है, हमें कई सारे उदाहरण यहाँ पे। पत्रकंद के द्वारा क्या होता है, रतालू है, रामबांस है, ये इसके उदाहरण हैं। कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के आधार भाग पर गांठ के समान संरचनाएं पाई जाती है, इसे हम पत्रकंद कहते हैं। आधार भाग पर अर्थात पुष्प कली का रूपांतरण ही पत्रकंद कहलाता है, पुष्प कली का रूपांतरण भाग क्या कहलाता है आपका, पत्रकंद। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों आपसे कृत्रिम कायिक जनन की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों आपसे। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, देखिए हमने प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ लिया कंप्लीट, कृत्रिम कायिक जनन देखिए इसके बारे में हम कल लेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।